इस आवारा बच्चन और लड़की को आज मैं सबक सिखा कर। जबन! ही तुम छोड़े छोड़ूंगी नहीं आज मैं तुम्हें जान ले लूंगी तुम्हें। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो तुम? हाँ पागल हो गई हूं मैं। इस आवारा बच्चन और लड़की को आज मैं सबक सिखा कर। जबन! तुम चलो। इधर मेरी बात सुनो। सुनो काम बहुत खराब हो गया है। समन पागल हो रही है। उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। कल रात को उसने तुम्हारा मैसेज देख लिया था। वो बहुत जुनूनी हो गई है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ और भूल जाओ कल मैंने तुम्हें जो कुछ कहा। नरेश भी यही चाहता है पता है। उसे तुम्हारी इज्जत का ख्याल है। बल्कि तुम एक सेकेंड रुको। ये पैसे पकड़ो बल्कि एक काम करो इन पैसों से अपना घर तब्दील कर लो और कहीं और चली जाओ। तुम्हें पता है ना सुमन तो पागल हुई भी अगर वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकती है तो वो तो तुम्हारे साथ भी कुछ भी कर सकती है। इसीलिए प्लीज प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। तुम ठीक नहीं कर रहे हो नरेश। सुमन प्लीज तुम फिर आ गई? गई नहीं हो अब तक तुम समझ क्यों नहीं रही हो? एक मिनट सवेरा मैडम, एक मिनट। मैं सब समझ गई हूँ। कल रात वो मैसेज भेजने से पहले जितना मैंने इस मामले पर सोचा है उतना शायद ही आप में से किसी ने गौर किया हो। ये आपकी सहेली कल मुझे इस बात पे कन्विंस करी थी कि नरेश की जिंदगी आपने अजीरन बना रखी है जिसकी वजह से वो तंग आके दूसरी शादी करना चाहते हैं। और अब आपकी ये सहेली मुझे ये 1,00,000 रुपए देकर कह रही है अपना घर तब्दील कर लो। मैं तो कल रात ही समझ गई थी कि इनके दिल में क्या चल रहा है। मैंने जानबूझ के वो मैसेज भेजा था ताकि ये एक्सपोज हो सके और इसीलिए आज मैं ये 2,00,000 रुपए की रकम भी लौटाने आई हूँ। मैं गरीब जरूर हूँ और मजबूर भी लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ सवेरा मैडम। ये औरत आपका घर बर्बाद करना चाहती है और ये मुझे कल ही कह रही थी कि ये आपकी सहेली नहीं है बल्कि नरेश साहब ने अमेरिका से इनको स्पेशली इसलिए बुलवाया है ताकि मुझे कन्विंस कर सके शादी के लिए। नहीं समन ऐसा कुछ नहीं है। नरेश ये क्या ये सच बोल रही है? बोलो सविता क्या ये सच बोल रही है? हाँ ये सच है बिल्कुल सच है। और अगर तुम चाहती हो ना तो पूरी दुनिया को ट्वीट करके मैं ये ऐलान कर देती हूँ कि मैं ही हूँ वो जो तुम्हारा घर तोड़वाना चाहती है। लेकिन क्यों क्यों सवेरा क्यों? मैं बीमार हूं और तुम भी बीमार थी। तुम्हें इस बात की एहसास कमतरी थी कि तुम मोटी हो और मुझे इस बात की एहसास कमतरी थी कि मैं पतली हूँ खूबसूरत हूँ लेकिन मैं तुम्हारे जितनी खुश नहीं हूँ। तुम्हें मोटी होने के बावजूद इतना हैंडसम प्यार करने वाला शौहर मिला और तुम इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रही हो और मैं मेरी इतनी बुरी किस्मत मैं हमेशा अपनी तकदीर के रोने रोती रही। मुझसे सब्र नहीं हो रहा था और मुझे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जा रही थी।